20th question. If A and B are non-collinear vectors, so A or B non-collinear बोलने का मतलब क्या है कि अगर A और B के दो combination दे रखे हैं तो I can compare coefficients. And alpha and beta are collinear. तो alpha और beta collinear होने का मतलब क्या है कि इनके x component का ratio हाँ ठीक है और मतलब x component sorry नहीं A का चलो तुम ऐसे देखो alpha और beta collinear है तो alpha should be mu times beta. ठीक है तो अल्फा हो जाएगा लैम्डा माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी बराबर म्यू टाइम्स फोर लैम्डा माइनस टू टाइम्स ए प्लस थ्री बी. अब इसमें ए का कोएफिशिएंट अलग अलग बराबर कर दिया लैम्डा माइनस टू बराबर म्यू फोर लैम्डा माइनस टू. अच्छा लैम्डा की वैल्यू चाहिए एंड वन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स थ्री. तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया उसको यहाँ रख दो तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. Next question says, अच्छा ये x square. Tangent at this to the curve which passes through the point. बहुत easy question. इसमें tangent क्या कह रहा है? Dy by dx निकालो. 1 comma e रख दिया. तो equation आ जाएगा tangent को उसमें point रख रख के देख लिए. ये ठीक है. First answer first दे रखा है तो पहला point रखते ही answer आ जाएगा. Single choice है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसा इनफैक्ट नाइन्थ वाले जो पेपर था उसमें भी दो तीन बार ऐसा हुआ था कि जब मेरे को ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है. ठीक है. ट्वेंटीथ अ प्लेन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन. ठीक है तो एक लाइन सेगमेंट है और एक प्लेन इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है तो ऑफकोर्स मिड पॉइंट से पास करेगा और इसी के परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल का काम करेगा. तो मिड पॉइंट हो जाएगा थ्री माइनस थ्री जीरो सेवन टू हो गया और छः चार दस पाँच हो गया. ये तो मिड पॉइंट हो गया इससे तो पास कर रहा है. नॉर्मल हो जाएगा इसमें से इसको घटा दिया तो छः सात में से तीन गया दस छः में से ये ठीक है नॉर्मल इसके अलॉन्ग हो जाए. इसको भी अगर दो से डिवाइड कर दें तो थ्री फाइव वन तो ऐसे आ जाएगा थ्री टाइम्स एक्स माइनस जीरो प्लस फाइव टाइम्स वाई माइनस टू प्लस टू सॉरी वन टाइम्स जेड माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो. अब इसमें एक एक पॉइंट रख के चेक करो कौन सा लाई कर रहा है कौन सा लाई नहीं कर रहा है. ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंस इन जीरो से पाई. तो ठीक है सच दैट सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस तीनों तरफ जीरो है ये ठीक है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये ठीक है होमोजेनियस इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो मॉड ए जीरो होना चाहिए. तो मॉड ए में क्या हो जाएगा एक तीन सात फिर आ जाएगा माइनस एक चार सात तीसरा आ जाएगा साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा एंड टू ये मॉड जीरो होना चाहिए. मॉड मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो. अब इसको ओपन करोगे तो कॉस टू थीटा और साइन थ्री थीटा के टर्म्स आएगा जिन दोनों को हम साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं तो आगे चल के एक पॉइनोमियल बन जाएगा साइन थीटा का वो सॉल्व हो जाएगा आराम से. ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन अगेन बुक से उठाया वो क्वेश्चन है ये ठीक है देन फाइंड दिस. अब ये जो दे रखा है इसने एक्स की हर वैल्यू के लिए तो उसको डी डी एक्स कर दो तो उससे क्या होगा कि विल गेट रेट ऑफ इंटीग्रेशन साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंपली आ जाएगा एफ एक्स बराबर आ जाएगा टू एक्स प्लस राइट हैंड साइड पे अपर तो जीरो हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स. तो एफ एक्स को एक तरफ ले जाओ ये ठीक है वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन अगर हमें ये क्लिक कर गया कि डिफ्रेंशिएशन करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस ये ठीक है. अच्छा तो एक लाइन और एक प्लेन दे रखा है ऐसे करके फिर मेरे को पूछना है कि इनमें से कौन सी लाइन उससे पास कर रहा है ये ठीक है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बेसिकली. तो ये जो लाइन है इसको लैम्डा बोल दो. तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मतलब इस लाइन के ऊपर लाई करें तो मान लिया लैम्डा की वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिल रहा है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा टू लैम्डा प्लस फोर कॉमा टू लैम्डा प्लस थ्री कॉमा लैम्डा प्लस फाइव. इसको उठा के इस प्लेन की इक्वेशन में रख दो तो वहाँ से क्या होगा लैम्डा निकल आएगा. लैम्डा निकल आया तो ये पॉइंट निकल आया. अब उस पॉइंट को एक एक ऑप्शन में रख के चेक किया तो अगर एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे रखा ये ठीक है और तीनों रेशियो सेम आ गए ये ठीक है तीनों रेशियोज सेम आ गए तो फिर उसका मतलब क्या कि पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा. ठीक है आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज These are in JP. This. हाँ तो मतलब इसमें तो सीधा सीधा जैसे क्या किया ए ए आर स्क्वायर ऐसे करके रख दिया ये ठीक है. अब
कॉलम टू में से कॉलम वन घटा दो, कॉलम थ्री में से कॉलम टू घटा दो, तो घटाने से क्या होगा, रेशियोज आ जाएंगे सिंपली। तो इसके अंदर ये ठीक है, जो रेशियो बनेगा वो बेसिकली ये कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो वैल्यू जीरो ही आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर एंड के। ये ठीक है, मतलब आइडेंटिकल आने का मतलब क्या, आर और के का फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, आर और के कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 27th क्वेश्चन इज गिवन थ्री स्टेटमेंट, फिर ये मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया, 5 इज प्राइम नंबर, 7 इज ए फैक्टर ऑफ इतना, तो ये तो फॉल्स है, 5 इज ए प्राइम नंबर सही है, ये भी सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है बहुत ट्रू है, सॉरी बहुत इजी है, पी 5 इज ए प्राइम नंबर तो ये ट्रू है, ये ठीक है, नॉट क्यू मतलब ये भी ट्रू हो गया, फिर इंटरसेक्शन ये भी ट्रू, तो ट्रू ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू और उसका यूनियन ट्रू, तो पहले वाला ट्रू हो गया, ऐसे करके एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ये ठीक है। ठीक है, 28 क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रैक्टिस करा रखा है, जब भी कॉस का सीरीज हो प्रोडक्ट में हो तो 90% एंगल डबल या आधा हो रहा होगा, तो यहाँ पे आधा हो रहा है, ये ठीक है, तो इसमें उसमें साइन टू थीटा लग जाएगा, फिर उसमें साइन टू थीटा लग जाएगा, तो इसमें टोटल कितने टर्म है, 2 पावर से 10 तक क्या, तो 9 टर्म्स आ गए, तो साइन ऑफ हम ऐसे बोलते थे ग्रेटेस्ट एंगल का ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस, तो वो जाएगा पाई बाई टू अपॉन 2^2 नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2^9, ये ठीक है, और बाकी ये वाला साइन तो दे रखा है ऑलरेडी, तो यही आंसर हो गया 1/2^9। हाँ, तो ऑप्शन इज ये, वेरी सिंपल। 29th इज इफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज 720। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट चाहिए, बाहर उसने एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसका मतलब क्या है, इससे विदाउट एक्स वाला टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस रूट एक्स को बाहर निकाल दें, तो एक्स रेस्ट पर 5 आ जाएगा बाहर, 1 λ/(x^2) 2 + 1/2 मतलब 5/2 की पावर 10। तो अब मेरे को उस पूरे से एक्स स्क्वायर तो मैंने हटाई दिया, इस वाले ब्रैकेट से क्या चाहिए था, एक्स की पावर जीरो का टर्म, उसका मतलब क्या, इस वाले ब्रैकेट से एक्स की पावर जीरो चाहिए, तो अंदर से डिनोमिनेटर में एक्स रेशो 5 निकलना चाहिए, तो उसका मतलब क्या, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, तो इस पे पावर 8 आना चाहिए, तो आ जाएगा 10c^2 λ², ये ठीक है, इस 720, तो यहाँ से निकल आएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इतना इफ एक्स इज ऑड, ये ठीक है, इतना इफ एक्स इज इवन, एंड जी इज डिफाइंड एज, जी एक्स को क्या बोल रखा है, एक्स माइनस माइनस 1 की पावर एन, तो ये तो इवन ऑड के हिसाब से चेंज होगा, और नेचुरल नंबर में बोल रखा है ऑलरेडी, तो इसमें क्या है कि अगर इवन होगा तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये ठीक है, ऑड होगा तो एक्स प्लस 1, इफ एक्स इज ऑड दिस इज एक्स माइनस 1, if x is even, x odd है तो x plus 1 होगा, हाँ ठीक है, x even है तो x minus 1, और फिर किसकी बात चल रही है, f of gx की, तो f of gx में हमने क्या बोला था, f के अंदर gx उठा के रख दो, तो gx plus 1/2, और याद रहेगा gx by 2, ये कब होगा, जब gx is odd, ये ठीक है, दिस इज जी एक्स इज इवन, ये ठीक है, जी एक्स का ऑड होगा, अगर एक्स ऑड है तो ये ऑड प्लस 1 इवन हो जाएगा, तो इसमें तो ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये ठीक है, तो और जी एक्स की वैल्यू यही है, तो जी एक्स ऑड कब होगा, जब एक्स इवन है, एक्स इज इवन, दिस इंप्लाइज एक्स इज ऑड, तो इवन है तो जी एक्स के लिए एक्स माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ एक्स माइनस 1 रख दिया, तो फाइनली f ऑफ जी एक्स कितना हो गया, x by 2, कब, when x is even, and this is equals to जी एक्स by 2 में हमने क्या रखा, अगर odd है तो x plus 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो गया x plus 1/2 when x is odd,
ये ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या क्या बताना है, वन वन एंड इन टू ऑन टू बताना है। अब तुम इन टू ऑन टू में मतलब कि जो कोडोमेन है वो नेचुरल सेट ही है केवल, तो अब तुम इसमें नहीं, अच्छा एफ ऑफ जी एक्स की बात है, हाँ खैर एक ही बात है वो नेचुरल। अगर एक्स इवन है तो यहाँ पे मैं टू के रख के बाई टू के आंसर ला सकता हूँ, के कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि ये केवल एक्स बाई टू ने ही सारे इंटीजर कवर कर लिए। जैसे मेरे को मान लिया 15 चाहिए, तो मैं एक्स के लिए 30 रख दूंगा, दुगना रख देंगे बस ये, ठीक है। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों वैल्यूज पहली ही डेफिनेशन से मिल जाएंगी ये, ठीक है। अगर एक्स ऑड है तो एक्स प्लस वन ये इवन हो गया, बाई टू ये भी इंटीजर होगा। अब सारे इंटीजर अगर यहीं से कवर हो गए तो ये कुछ ना कुछ सेम इंटीजर को रिपीट करेगा, तो मैनी वन हो गया। तो सिंपली मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं जिसमें दिमाग लगेगा ये सब कैलकुलेशन करने, थोड़ा सा।